दिस इज चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमबी। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिंक्ड विद द सेल्स कंप्लीट किया था एंड स्टार्ट किया था ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दैट इज हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दो रेशियोज, पहला हमारा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इस क्लास में हम लोग रिटर्न ऑन एसेट्स कवर करने वाले हैं एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के और भी पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास। देखो, सबसे पहले हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या बोला गया था कि जब हम लोग प्रॉफिट को टोटल एसेट्स से कंपेयर करते हैं तो हम लोग उसके बेसिस पे रिटर्न ऑन एसेट्स निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट मतलब कि क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करके पहले मैं आपको बताती हूँ टोटल एसेट्स में क्या आएगा। सारे ही करंट एसेट्स एंड सारे ही नॉन करेंट एसेट्स को आपको ऐड करना है एंड उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को आपको माइनस करना है तो आपका आ जाता है टोटल एसेट। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट में क्या बोला गया है, प्रॉफिट में बेसिकली तीन टाइप्स के प्रॉफिट्स की बात की गई है। सबसे पहले आ जाता है पैट, जो कि रहता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा प्रॉफिट हो गया ईबीआईटी एंड तीसरा पैट, जिसपे हम लोग इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट को माइनस करेंगे। देखो किस तरह से होने वाला है, पैट पहला आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब हम लोग शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब हम लोग शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स को निकालते हैं तो हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज पैट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसमें क्या होता है, आप ओवरऑल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर रिटर्न ऑन एसेट्स वाले रेशियो को देखना चाहते हो। ओवरऑल इन्वेस्टर्स मतलब क्या, क्या आपके शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं एंड उसके अलावा जो भी इन्वेस्टर है, मतलब जिसने भी कंपनी में पैसा लगाया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ओवरऑल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम लोग ईबीआईटी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये वाले प्रॉफिट में क्या होता है, पहले वाले प्रॉफिट पे आप जो रहते हैं जनरली इंटरेस्ट को माइनस करें, मतलब जितना इंटरेस्ट का अमाउंट दिया गया है उसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को आप यहां से माइनस कर रहे थे जब हम लोग शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। लेकिन अभी क्या है, जब हम लोग लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंटरेस्ट में क्या करते हैं, आप बोलोगे कि आपका प्रॉफिट आया उसमें से आप लोगों ने इंटरेस्ट माइनस किया, बट देखो इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप लोगों ने जब इंटरेस्ट माइनस किया है ना तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये चीज मैंने अपनी पिछली क्लास में भी कवर की थी। तो इंटरेस्ट के टैक्स बेनिफिट को आपको यहां से हटाना पड़ेगा। भाई लेंडर्स बोलता है कि भाई अगर तेरे 100 रुपए का प्रॉफिट आया, ठीक है, आपका ईबीआईटी 100 रुपए का आया है, उसमें से आप बोल रहे हो मेरे 70 रुपए का इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 30 रुपए प्रॉफिट बच रहा है। लेकिन आपके इस 70 रुपए पे जितने अमाउंट का टैक्स निकल रहा है वो तो एनी वेज आपको इनकम टैक्स में एज अ टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अब ये चीज क्या है, इसको मैंने लास्ट क्लास में बोला था, मैं डिटेल में नहीं कवर करने वाली हूँ एंड यहां भी नहीं कवर करूंगी, क्योंकि आपको जानना है कि इंटरेस्ट के अमाउंट में जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ टैक्स रहता है उतने अमाउंट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। मतलब कि क्या, जैसे मैंने बोला 70 रुपए का इंटरेस्ट था, ठीक है, अब आप मान के चलो आपका जो इनकम टैक्स रेट है वो 10% है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो 70 का 10 रुपए 7 रुपए आता है, ये 7 रुपए जो है आगे चल के आपको मिल जाएगा। तो लेंडर्स बोलते हैं कि तू पूरा 70 डिडक्ट नहीं करेगा, मतलब तू पूरा 70 रुपीज नहीं माइनस करोगे, क्योंकि तुमको आगे चल के 7 रुपीज का, आई एम सो सॉरी, 7 रुपीज का टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, तो तुम उसको पहले यहाँ पे माइनस करो। मतलब 70 का इंटरेस्ट है उस पे 7 रुपीज का टैक्स बेनिफिट है, इट मीन्स 70 माइनस 7 दैट इज 63 रुपीज ही आप इंटरेस्ट के रूप में माइनस करने वाले हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आते हैं, आपको ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट तो माइनस करोगे लेकिन उस इंटरेस्ट में से टैक्स के बेनिफिट को आपको हटाना पड़ेगा, और ये जब करते हैं तो हम ये लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है कि तीन प्रॉफिट कैसा है, कब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से आपको पता चलेगा कि कब हम लोग कौन सा प्रॉफिट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका आ गया रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर। तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दैट इज प्रॉफिट का कंपैरिजन जो रहता है हम हमारे टोटल एसेट्स से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ओके,
तो अब आप अपनी एक्सेल शीट पे आ जाओ। एक्सेल शीट में हम लोग यहाँ डाउन पे मतलब सॉरी नीचे में देखना, हम लोग जो है रिटर्न ऑन एसेट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स को फाइंड आउट करने वाले हैं क्या हमारा रेशियो आता है। पहले ही मैंने ये रिटर्न ऑन एसेट्स का टाइटल दे दिया है। हम लोग सबसे पहले पैट वर्सेस टोटल एसेट करने वाले हैं, मतलब हमारा जो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसको लेने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इज इक्वल टू, इफ एरर हमेशा यूज करना है, ध्यान रखना है, इफ एरर को भूलना मत, ब्रैकेट ओपन, कंट्रोल करके पेज अप करेंगे एंड यहां पे आपको दिखेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, दैट इज हमारा नेट प्रॉफिट हमारे केस में। इसको लेने के बाद आपको इसे डिवाइड करना रहेगा टोटल एसेट से। हमारे केस में फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली टोटल एसेट्स लेने वाले हैं, कॉमा जीरो, प्रेस एंटर। नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग ईबीआईटी में से निकालने वाले हैं, ईबीआईटी माइनस टोटल एसेट्स यूज करेंगे। फिर से वही फॉर्मूला, ईबीआईटी भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, EBIT हम लोगों ने निकाल लिया है, EBITDA में से इंटरेस्ट को माइनस किया, डिवाइड कर दिया हमारे टोटल एसेट से। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका PAT आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेनिफिट। ठीक है, जो हम लोगों ने बोला था कि हम लोग लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आप देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना एंड बहुत अच्छे से इसको समझ के आपको परफॉर्म करना रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू लिखना है, उसके बाद लिखोगे इज इक्वल टू, एक बार ब्रैकेट ओपन करो, अगेन सेकेंड टाइम आपको ब्रैकेट ओपन करना रहेगा। ठीक है, आप अपनी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली शीट में आओ, एबिट्टा लेना है आपको, उसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, दो बार ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये किया तो आपका ईबीआईटी आया, इसके लिए फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे, आपको मिल गया है ईबीआईटी। ठीक है, अब हम फिर से माइनस करेंगे, हमको इंटरेस्ट माइनस टैक्स बेनिफिट करना है इसलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ले लेना है, समझा। सबसे पहले हम लोगों ने दो बार ब्रैकेट को ओपन किया है, उसके बाद ईबीआईटी निकाला, माइनस किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, इंटरेस्ट को माइनस किया। अब हमको एक और बार ब्रैकेट ओपन करो, इंटरेस्ट का अमाउंट लो, उसको मल्टीप्लाई करो आपके इफेक्टिव टैक्स रेट से। क्यों? ताकि हमको पता चले इस पे टैक्स बेनिफिट कितना मिल रहा है। मैंने आपको बताया था 70% का 10% हमारे एग्जाम्पल में। एक बार ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट बन के आई फॉर्मूले की। ओके, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से आपको ब्रैकेट को क्लोज करना रहेगा नेक्स्ट टाइम पे। ये आपका ऊपर की जो चीज थी, हम लोगों को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए था वो हमारा यहां पे आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या चाहिए रहेगा कि हमको उसको डिवाइड करना रहेगा टोटल एसेट्स से। ये हो जाएगा आपका डिवीजन टोटल एसेट से एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। सी, इट वॉज वेरी इजी। अब देखो
एक बार यहाँ स्क्रीन पे देखो हम लोगों ने कैसे परफॉर्म किए। हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट को तो माइनस करेंगे बट उस इंटरेस्ट में से टैक्स बेनिफिट भी हमारा हटा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए ईबीआईटी। तो हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने एबिट्टा लिखा, माइनस किया हमारा डेप्रिसिएशन एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो एबिट्टा माइनस डेप्रिसिएशन के करने से हमारा ईबीआईटी आ गया, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट लगा हुआ था, उसके बाद स्क्रीन पे देखो हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों को माइनस करना है हमारा इंटरेस्ट और उसमें से भी माइनस करना है इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट। तो फिर से ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि एक और कैलकुलेशन परफॉर्म होने वाला है। इंटरेस्ट का अमाउंट लिखा, माइनस करना है हमको इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट। फिर से ब्रैकेट ओपन किया, क्यों है ब्रैकेट ओपन किया, क्योंकि एक और कैलकुलेशन परफॉर्म होगा, इंटरेस्ट इनटू इफेक्टिव टैक्स रेट। ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे आपका आ गया, आपका क्या आ गया, आपका टैक्स बेनिफिट आ गया, उसको इंटरेस्ट के अमाउंट से माइनस किया हम लोगों ने, ब्रैकेट क्लोज किया, तो आपका क्या आ गया, जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्ट होना था। यहाँ पे ईबीआईटी आया, यहाँ पे इंटरेस्ट आया, दोनों को माइनस करेंगे, लास्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट करने के बाद था, लास्ट में आपको डिवाइड करना रहेगा आपके टोटल एसेट्स से, ठीक है। ये चीज आ गई। अब नॉर्मली इफ एरर का जो आप लगाते हैं सामने में, आपको अपना इफ एरर भी यहाँ पे लगा देना है। इफ एरर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, लास्ट में इसलिए इफ एरर लगवा रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए। आई होप कुछ लोगों को लगेगा यार इतनी बेसिक सी इजी सी चीज में इतना ज्यादा प्रेशराइज करके समझा रही हूँ कब ब्रैकेट ओपन करना है कब क्लोज करना है, बट कभी कभी चीजों को समझने में कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकती है, तो सबके लिए क्लियर हो, सब सेम पेज पे चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको परसेंटेज फॉर्म में एंड टू डेसिमल प्लेसेस पे करके आपको इसे लास्ट तक कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आ गया है हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। हम लोगों ने रिटर्न ऑन एसेट्स निकालना शुरू कर दिया। वापस से आप यहाँ पे हमारी नोट्स वाली शीट पे देखोगे, हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग आज की क्लास में रिटर्न ऑन इक्विटी के बहुत सारे बाइफर्केशंस के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी में ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब हम लोग को जानना है कि नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। जब हम लोग ये चेकआउट करते हैं कि नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। अब इस पे क्या होता है, हर एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग अवेलेबल है उसको निकालते हैं। इसके लिए क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड्स, मतलब कि आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में इस चीज पे बहुत डिटेल में समझाया था, इसलिए अभी नहीं कवर कर रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसके डिविडेंड माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है हमारा ईएईएस, उसको नंबर ऑफ शेयर्स से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा ईपीएस आता है। कैश फ्लो अर्निंग्स और ईपीएस में क्या डिफरेंस रहता है, ये जो कैश फ्लो अर्निंग पर शेयर जो रहता है वो हमारे ईपीएस का एक्सटेंशन रहता है। मतलब कि क्या होता है, हमारे ईएईएस में बहुत सारे, मतलब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, एक्चुअली में हमारे जेब से पैसा नहीं गया होता है फिर भी हम उसको निकालते हैं बाहर, एक्चुअली में हमको पैसा नहीं मिला होता है फिर भी हम उसे ऐसा इनकम शो करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, नॉन कैश आउटफ्लो ऑफ द एक्सपेंस। ये सारी चीजें जो रहती है, एक्चुअल में हमारे जेब से पैसा नहीं गया बट फिर भी क्योंकि हमारे अकाउंटिंग्स के रूल रहते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको ईएएस में प्लस या माइनस करते हैं। तो सारी ही नॉन कैश चीजों का आपका एडजस्टमेंट करना है, जो नॉन कैश चीजें कैश बाहर गया है जिसको हम लोगों ने माइनस किया है एज ए एक्सपेंस शो किया है, तो उसको वापस एड बैक करो, और जो आपका इनकम था जो हमारा आ गया है नॉन कैश था, एक्रूड बेसिस पे आप शो कर दियो, उसको माइनस करो, तो आपका एक्चुअल कैश फ्लो अर्निंग्स आता है। कैश फ्लो अर्निंग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा कैश फ्लो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। वैसे ही डिविडेंड पर शेयर में मैंने आपको बताया था, जितनी भी अर्निंग अवेलेबल रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसका कुछ पार्ट रिटेंशन में जाता है एंड कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब हम लोग हर शेयर के पीछे कितना डिविडेंड दे रहे हैं इसको निकालते हैं, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जो भी डिविडेंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट
किया जा रहा है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के डिवाइड कर देते हैं। अब आ जाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, वो सारी ऊपर की चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर दी थी इसलिए मैंने उसे बहुत फास्ट एंड शॉर्ट पे कंप्लीट किया। डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब कि क्या, आपकी अर्निंग्स का कितना परसेंटेज हम लोग डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं। एक चीज थी डिविडेंड पर शेयर जो हम लोगों ने ऊपर देखा, डिविडेंड पर शेयर में हम लोग निकाल रहे थे कि हर एक शेयर के ऊपर हम लोगों को कितना डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट रेशियो बताता है कि अर्निंग्स का कितना परसेंटेज एज अ डिविडेंड गया है। और मैंने लास्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में किया था कि अगर 70% डिविडेंड है बचा हुआ 30% आपका रिटेंशन होता है और रिटेंशन रेशियो और डिविडेंड पे आउट रेशियो मिला के 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के ही फॉर्मूले किए गए हैं, डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में बताया गया कितना परसेंटेज होगा एंड बचा हुआ आपका रिटेन्ड अर्निंग होगा। इंपॉर्टेंट क्या चीजें यहाँ पे मैंने रेड में हाईलाइट करके रखी है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, अब ये वाला डिविडेंड पे आउट रेशियो ये किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन इसको ज्यादा ध्यान देता है, कॉमन सेंस की बात है। मैं इस रेशियो को इस उम्मीद से देखूंगी ना कि वो रेशियो ज्यादा आना चाहिए और मैं पैसे कमाऊं, क्यों, क्योंकि मैं एक रेगुलर कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रही हूं। अगर मैं चाहती हूं कि मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्ट करके रखी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तो कैश फ्लो चाहिए नहीं। इसलिए डिविडेंड पे आउट रेशियो जो रहता है उन इन्वेस्टर्स के लिए रहता है जो रेगुलर कैश फ्लो एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। सेकेंड मतलब कि आपका रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो उन लोगों के लिए होता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और जो कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद रखते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि रिटेंशन रेशियो के ऊपर, डीपीएस के ऊपर, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करी थी आप हमारी थ्योरी पार्ट में लास्ट क्लास के, वहां मैंने आपको बताया था कि आज डिविडेंड न देके 10 साल बाद वो देंगे तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन का रोल प्ले करेगा, तो उनके लिए रिटेंशन रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। और जिन रेगुलर कैश फ्लो एक्सपेक्ट करते हैं जो लोग, उनके लिए हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो हो सकता है आज की क्लास आपको कम समझ में आए। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड रेशियो में छोटा सा फर्क है। डिविडेंड यील्ड रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिविडेंड को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करें कि मार्केट में जो शेयर की वैल्यू उसकी कंपेरिजन में हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर से कंपेयर नहीं करते हैं। ये जो रहता है ये एक्चुअल रिटर्न रहता है जो हमको मिल रहा रहता है, ठीक है, ये एक्चुअल रिटर्न रहता है जो हमको मिल रहा रहता है, कौन सा, डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो इसको भी हम लोग हमारी एक्सेल शीट पे आते हैं एंड परफॉर्म करते हैं। ओके, अब हम लोग इसको परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी का बाइफर्केशन, बोल्ड कर लो इसको। उसके बाद ईपीएस, ईपीएस हम लोगों ने शायद पहले भी निकाल के रखा है, तो इफ एरर करके हम लोग डायरेक्टली लिंकिंग करने वाले हैं, ठीक है। ओके, कॉमा जीरो, प्रेस एंटर। कैश फ्लो, अर्निंग पर शेयर, अब हम लोग क्या करने वाले, एक बार ब्रैकेट खोलो, दूसरी बार ब्रैकेट खोलो, हम लोग उठाने वाले हमारा नेट प्रॉफिट, इसमें हम लोग प्लस करने वाले हैं हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, मैंने बताया था क्यों थ्योरी पार्ट में, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉमा जीरो, ब्रैकेट क्लोज। ओके, कैश फ्लो अर्निंग्स पर शेयर भी हमारा आ गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिविडेंड पर शेयर, एंड आई थिंक सो इसको भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्टली लिंक आउट कर सकते हैं। एंड देन कम आवर डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी हम लोग निकाल चुके हैं, वेरी इजी। Is equal to if error and then press enter. Okay, next आ जाता है आपका dividend yield ratio, जहां पे मैंने बोला कि अपन क्या करने वाले हैं, एक मिनट इसकी formatting को change कर लेती हूं। हम लोगों ने जो trends बनाए थे ना last class में,
उसको भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, मीन मीडियन मोड और ट्रेंड का पार्ट को मैंने नहीं बताया है। ओके, इसको मैं आखिरी में कवर करती हूँ, उसको भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मीन मीडियन मोड और ट्रेंड वाला पार्ट को भी मैं कवर करती हूँ, डोंट वरी। फिलहाल इसको ऊपर से फॉर्मेट और फॉर्मूला को कॉपी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे पॉज करती हूँ। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा क्लास देखते समय, क्योंकि आपको बता रही हूँ ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये वाली चीज अभी बाद में रिकॉर्ड हो रही है, एंड पहले जो ऊपर की चीजें थी हमारा डेटर्स डे, आपका ऊपर टर्नओवर रेशियोज जो ये सब दिए गए हैं ये थोड़े पहले रिकॉर्ड हो गए थे, इसलिए एक्सेल की शीट में चीजें ऊपर नीचे थोड़ी दिख रही होंगी। सो डोंट वरी, आपको जो ट्रेंड है ये मीन मीडियन मोड है एंड ऊपर के रेशियोज हैं, आप लोगों ने उस क्लास को मिस नहीं किया, अभी वो एक्सप्लेन करना बचा है, मैं इसके बाद उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम लोग सीरीज के हिसाब से ही चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड रेशियो आ गया, इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अच्छा इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग जो है दो डेसिमल प्लेसेस तक कर लेते हैं ऊपर की चीजों की। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल टू इफ एरर, हम लोगों ने बोला डिविडेंड पर शेयर को हम लोग डिवाइड करने वाले मार्केट वैल्यू से। आपकी डेटा शीट पे आ जाओ, करेंट प्राइस पे आ जाओ, ठीक है। करेंट प्राइस इज अ मार्केट वैल्यू एंड परसेंटेज में। अब आप बोल रहे हो यार 0% आ रहा है, इज इट ट्रू? देखो मार्केट प्राइस चेंज होते रहता है जिसकी वजह से डिविडेंड यील्ड रेशियो भी चेंज होता है। अगर आपको डाउट है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। कैसे रीचेक करेंगे, आप एक काम करो, आप जो है हमारी स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे आ जाओ एंड अभी रिलायंस इंडस्ट्री का आप करेंट मार्केट प्राइस देखो, पहले वाले से थोड़ा ज्यादा है जो हम लोगों ने लिया है, एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो सिर्फ 0.35% आया है। इट मीन्स पहले वाले में करेंट मार्केट प्राइस कम था जिसकी वजह से वो 0% आ रहा था, ठीक है। अगर उसको परसेंटेज फॉर्म में नहीं करते, पॉइंट पे रहते हैं, तो आप देख सकते हो डिफरेंस आ रहा है, बट अगर उसको परसेंटेज फॉर्म में करते हैं तो वो 0% आ रहा है। सो ये कोई गलत नहीं किया है हम लोगों ने परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म सही किया है, बट ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस परसेंटेज भी चेंज आ रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग जो है बॉर्डर्स ऐड कर लेंगे, मैंने बताया था बॉर्डर्स कैसे ऐड करना है, Ctrl+1 बॉर्डर्स में जाओ, सेटिंग्स चेंज करो एंड देन प्रेस ओके। सी यहाँ पे अब जो है हमारा आ गया है क्या, डिविडेंड यील्ड रेशियो। हमारे सारे रिटर्न्स ऑन इक्विटी जो रेशियो थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अगर ये रिटर्न ऑन इक्विटी फास गया होगा तो आई डोंट थिंक कि उस पर कुछ ज्यादा ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिर्फ डिविडेंड यील्ड था जिसको हम लोगों को करेंट मार्केट प्राइस से देखना था। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है टर्नओवर रेशियो। अब हम लोग टर्नओवर रेशियोज देखने वाले, बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये एनालिसिस टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप कोई भी पर्सन हो, आप इन्वेस्टर हो, वैल्यूएशन के लिए परफॉर्म कर रहे हो, कंपनी का मॉडल बना रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए मॉडल बना रहे हो, ये आपको टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले टर्नओवर रेशियो में आ जाता है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब कि क्या होता है, स्क्रीन पे आप देखो यहां पे बोला गया है, वेट अ सेकेंड, ओके, तो सबसे पहले टर्नओवर रेशियोज में जो रहता है वो हमारा आ जाता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस में आप लोगों ने पैसा लगाया है, ठीक है, अब वो पैसा बाहर जाना चाहिए बिजनेस के और कुछ प्रॉफिट जनरेट करके वो वापस आना चाहिए। हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट केस में कंपनी में 10 मिलियन लगाए गए जिसमें से 5 मिलियन बाहर गया और प्रॉफिट जनरेट करके आया है, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख रहे होगे 10 मिलियन कैपिटल था, सेल्स हुई 5 मिलियन की जिसमें से एक्सपेंस थे 4.5 मिलियन का एंड प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 0.5 मिलियन जनरेट हो गया है। ये हुई पूरी फर्स्ट केस की सिनेरियो, 10 मिलियन में से 5 बाहर गया प्रॉफिट जनरेट करके आया, जिसमें से प्रॉफिट का क्या था, 0.5 मिलियन प्रॉफिट था। अब आप नॉर्मली प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो तो आपको क्या लगेगा, 10% का प्रॉफिट मार्जिन है, 10% का प्रॉफिट मार्जिन आपको लगेगा कि ओके इट्स गुड, रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन है। बट जब आप अपने प्रॉफिट को ऊपर कैपिटल से कंपेयर करते हो तो आपको क्या पता चलेगा, सिर्फ 5% है। मतलब 10 मिलियन आप लोगों ने लगाया है और सिर्फ 0.5 मिलियन आपका प्रॉफिट आ रहा है। आप खुद सोचो, एक ऐसा बिजनेस जहां 10 मिलियन लगाया जा रहा है, सिर्फ 0.5 मिलियन जो है आपके प्रॉफिट के रूप में आ रहा है, इज इट वर्थिंग? नो। तो ये आपका कंपैरिजन हुआ। अब ये प्रॉफिट बढ़ेगा
तभी तो आपको लगेगा, मान लो कि मैंने 10 मिलियन लगाए, कम से कम 1 मिलियन तो वापिस आए, 1.5 मिलियन वापिस आया, 2 मिलियन तो वापिस आया। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ 50% 60% थिंग, 10, 20, 12, 15 इस टाइप का परसेंटेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब आपकी सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी मतलब आपका पैसा ज्यादा बाहर जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके अंदर आएगा। सेकेंड सिनेरियो में मान लो कि सेल्स भी 10 मिलियन की हुई, हम लोगों ने बिजनेस में 10 मिलियन लगाए, सेल्स भी हमारी 10 मिलियन की हुई, तो ठीक है। अब नेक्स्ट केस पे हमारा एक्सपेंस 8.5 मिलियन का होगा। सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि जितने की सेल्स बढ़ी उतने की एक्सपेंस बढ़े, उससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। क्यों? फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, पता है ये डिफरेंस? नहीं पता है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस चीज को भी कवर करूंगी। बट नाउ इन दिस केस आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इसका डिफरेंस पता है, सेल्स जितने से बढ़ी है उतने से आपके एक्सपेंस नहीं बढ़े, इसलिए नेक्स्ट केस में 10 मिलियन की सेल्स थी, एक्सपेंसेस 8.5 थे एंड प्रॉफिट अब आया 1.5। अब जब इस प्रॉफिट को आप अपने कैपिटल से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि 15% का मार्जिन आ रहा है, एंड नाउ यू फील कि अच्छा है, वर्थफुल है हमारा बिजनेस करना, क्योंकि हम लोगों ने 10 मिलियन लगाया है, हमको 1.5 मिलियन का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 15% की मार्जिन से चल रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स रीजनेबल, दैट्स फाइन। तो ये सब क्यों हुआ? प्रॉफिट का चेंजेस हुआ तभी आपका पता चला कि बिजनेस जो है वर्थ है कि नहीं है। प्रॉफिट कब चेंज होगा? जब सेल्स का चेंज होगा। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे कैपिटल का सेल्स से कंपैरिजन कर रहे हैं। सेल्स जितनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि उतना ज्यादा कंपनी में प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि कंपनी में हम लोगों ने बहुत पैसा लगाया, बहुत कैपिटल लगाया, तो प्रॉफिट भी तो बहुत सारा आना चाहिए ना। तो इन शॉर्ट हम लोग कैपिटल का कंपैरिजन सेल से करें। प्रॉफिट कहां से आता है? सेल से आता है, तो कैपिटल का कंपैरिजन सेल से करें, ठीक है। तो जब आप टर्नओवर रेशियो में ध्यान रखना, हर जगह सेल आएगा, टर्नओवर इज द सेल, ठीक है। अब तो हम लोग क्या कहते हैं, आपको जो है डिवाइड करना रहेगा, क्या? सेल्स से डिवाइड करना रहेगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे ना थोड़ा सा मैंने जितनी मैंने पढ़ाई की है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, ऑलरेडी मैं सॉरी बोल रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे इस चीज पे करेक्ट कर लेना। जितनी मैंने अभी तक स्टडी की है, मैंने यही देखा है कि लोग जनरली सेल्स से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड करते हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी को करते हैं, मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर वाली चीज, मतलब इक्विटी शेयर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, या तो फिर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को वो लोग उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है, तो आप या तो सेल्स में से टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड करो, या सेल्स में से आपके शेयर होल्डर्स इक्विटी को डिवाइड करो, आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो आएगा। अब देखो, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, और आपका कैपिटल, हम लोगों ने इतना पैसा लगा, हमको इतना प्रॉफिट मिला, ये सब बातें हम लोगों ने की, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब आपके पैसों का सही यूटिलाइजेशन हुआ है, आपके पैसों का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है। आप खुद सोचो, अगर मैंने किसी धंधे में बहुत सारे पैसे लगाए हैं और मैंने उस पैसों का इतना अच्छे से यूज किया, इतने अच्छे रिसोर्सेस पे लगाया, इतने अच्छे एसेट्स पे लगाया, इतने अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जो मार्केट में बहुत चल रहे हैं, बहुत बिक रहे हैं, तब जाके मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। क्यों आया प्रॉफिट? क्योंकि बहुत सारी सेल हुई, और बहुत सारी सेल क्यों हुई? क्योंकि मैंने बहुत प्लानिंग से अपनी प्रोडक्शन को, चीजों को फिगर आउट किया था, हमारी सर्विसेज को बहुत अच्छे से फिगर आउट करके रखा था, जितना भी पैसा था मैंने बहुत सोच समझ के लगाया है। इट मींस आपके कैपिटल का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ है, तभी आपकी सेल्स हुई है ज्यादा, एंड तभी आपके प्रॉफिट ज्यादा आए हैं। तो सेल्स ज्यादा होने से सिंपल सा मतलब है कैपिटल का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हुआ है। इट मींस आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो ज्यादा आना चाहिए कि कम आना चाहिए? यहां पे देखो एनालिसिस में, अगर आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1 आता है, 1 आ रहा है मतलब कि क्या, आपका जो सेल्स है वो आपके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल है, मतलब जितना पैसा हम लोगों ने लगाया था उतने पैसे की हम लोगों ने सेल्स कर दी है। तो ये ना ज्यादा बुरा है ना ज्यादा अच्छा है, एक बेस लाइन पे आप चल रहे हो। लेकिन अगर आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1 से कम आ रहा है, मतलब मैंने लगाया तो इतना लेकिन सिर्फ सेल हुई हमारी इतनी सी सेल हुई है, तो क्या ये सही चीज है? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके जो रिसोर्सेस हैं, आपके जो फंड है, उसका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। कभी भी किसी कंपनी में लगा रहे हो आप, शेयर पे पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो आप उसका कैपिटल टर्नओवर निकालो, इससे आपको क्या पता चलेगा कि क्या कंपनी जो हमसे पैसा ले रही है, ऐसा सोचो ना। भले तुम 2000 का एक शेयर ले रहे हो, बट खुद सोचो, मैं उस कंपनी में 2000 डाल रही हूँ, क्या मेरे 2000 का सही
इस्तेमाल होगा कि निहाला कि वो 500,000 करोड़ की कंपनियां होती है, बट स्टिल थिंक इन दैट वे, जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े इंसान बनोगे. तो सोचो कि तो मैं 2000 लगा रही हूँ, क्या मेरे 2000 का सही से यूज हो रहा है कि नहीं. कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके फंड्स का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं. एंड इन द लास्ट एनालिसिस, अगर आपका 1 से ज्यादा आ रहा है रेशियो, तो मतलब इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड्स का, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है कंपनी की, बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रही है, तभी तो सेल्स बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है. जनरली ऐसा कोई किसी भी रेशियो में ऐसा कोई थंब रूल नहीं रहता कि इतना ही होना चाहिए, बट एक प्रिफरेबल रेशियो रहता है हमारे इसमें टर्नओवर रेशियोज में, जो मैं आपको अगर जहां पे अवेलेबल होगा डेटा वहां पे बताऊंगी. कैपिटल टर्नओवर रेशियो के में 1.5 या 2 तक के होना चाहिए, ठीक है. 1.5 या 2 एक प्रिफरेबल रेशियो माना जाता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो के केस में. नेक्स्ट आपका आ जाता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो की मतलब कि क्या होता है, जब आप अपने टोटल एसेट्स को आप अपनी टोटल सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मैंने आपको बोला था टर्नओवर रेशियो है, सेल्स आने वाली है तो सेल्स को ऊपर फिक्स कर दो उसकी पोजिशन, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. अब देखो इसका एनालिसिस क्या होते हैं कि अगर ये रेशियो से आप जान पाते हो कि आपका जो फंड्स है वो इफेक्टिवली एसेट्स में ढंग से लगाया गया है कि नहीं, क्योंकि अगर एसेट्स पे ढंग से लगा के रखे हो तभी तो वो एसेट्स गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज जनरेट करेंगे, एंड वही मार्केट पे जाएगी एंड वही सेल्स एंड वही प्रॉफिट लेकर आएगी. इसलिए इस रेशियो में भी सेम एनालिसिस है, 1 है तो ठीक है, बेटर है यूटिलाइजेशन का, ठीक है. 1 से ज्यादा आ रहा है तो आपके सारे ही एसेट्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज हुए हैं, एंड 1 से कम आ रहा है तो ये एक डेंजरस साइन होता है, ठीक है, और ये एक इनएफिशिएंसी का साइन होता है. इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, सारी चीजें वैसे ही एक दूसरे से लिंक्ड है और रिलेटेबल है. नेक्स्ट आ जाता है आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो जो रहता है वो टोटल एसेट रेशियो का एक्सटेंशन रहता है, मतलब कि क्या यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि क्या सेल्स का जो कंपैरिजन है वो फिक्स्ड एसेट से होता है. इस पे क्या बोला गया है, आप देखते हैं कि क्या हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स्ड एसेट्स में बहुत अच्छे से की गई है कि नहीं. ऐसा क्यों देखते हैं, इसमें क्या रहता है चीज कि बहुत सारा मेजर अमाउंट जो रहता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे चला जाता है. मान लो कि 10 मिलियन का आपका कैपिटल था, जिसमें से 3 लाख आप लोगों ने किसी मशीनरी में लगाया, 1 लाख रुपीस और किसी प्लांट पे लगा के रख दिया, ठीक है. अब बचा हुआ जो आपका 6 लाख रुपीस है, 6 मिलियन रुपीस, सॉरी 3 मिलियन, 1 मिलियन, एंड जो बचा हुआ 6 मिलियन है वो एक लैंड के ऊपर लगा के रखा है, ठीक है. आपका 3 मिलियन वाली मशीनरी तो अच्छा इनफ जनरेट करके दे रही है चीजें, आपकी 1 मिलियन वाली जो चीजें हैं, 1 मिलियन वाला प्लांट जो है वो भी अच्छा आपको सेल जनरेट करके दे रहा है, बट वो 6 मिलियन वाला लैंड उतना जनरेट नहीं करके दे रहा है, उसकी उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं, मतलब बहुत सारा पैसा जो है आपका अननेसेसरी फिक्स्ड एसेट्स में आके फंसा हुआ है. तो इसकी भी एनालिसिस हम लोग को करनी पड़ती है. 1 आया है तो बेटर है, 1 से ज्यादा है मतलब कि ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पे जितना अमाउंट लगाया गया है सही है क्योंकि वो रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, लेकिन 1 से कम है मतलब अननेसेसरी फंड जो है वो फंस के रखा हुआ है, फंस गया है आपके फिक्स्ड एसेट्स पे, ठीक है. तो इस चीज को आपको ध्यान देना रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वर्किंग कैपिटल रेशियो. वर्किंग कैपिटल रेशियो जो रहता है, इस पर्टिकुलर रेशियो में हम लोग 3 रेशियोज को देखने वाले हैं, एंड ये ऊपर के 3 रेशियो से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बहुत और ध्यान से सुनना रहेगा, ठीक है. देखो सबसे पहले आपका आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में मतलब क्या होता है, देखो यहां पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, फिर हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे. एग्जाम्पल में क्या बोला है कि मान लो कि एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आपका 100 मिलियन है, एवरेज इन्वेंट्री आपकी 10 मिलियन है. मतलब एवरेज इन्वेंट्री 10 मिलियन है, इसका मतलब कि एक ऐसा स्टॉक है, ऐसा गुड्स बन के रेडी हो गया है जो अभी तक के आपका क्लियर नहीं हुआ है या अभी तक के आप लोगों ने बेचा नहीं है, वो आपके पास पड़ा रहता है एवरी टाइम इन द ईयर्स. मतलब कि मैंने बोला कि हर बार ऐसा होता है साल भर में ऐसा कि 10 मिलियन मेरे पास रहता ही है, एवरेज इन्वेंट्री उतनी मेरे पास पड़ी ही रहती है, और कॉस्ट जो रहती है वो मेरी 100 मिलियन आती है. अब इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, फॉर्मूला क्या है इसमें, अगर आप अपने सीओजीएस को
एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हो तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है। टर्नओवर रेशियो मतलब कि क्या, यहाँ पे ये 10 टाइम्स बोला गया है, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि रेशियो आ रहा है 10 टाइम्स। अभी इसका सिंगल एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा 10 मिलियन है। अब इस बार जो इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री है, मतलब जो ऐसा स्टॉक जो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, एनुअल स्टॉक जो रहता है वो हमारा है 50 मिलियन। अब रेशियो जा रहा है 2 टाइम्स। अब इसका कंपैरिजन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आपका रेशियो 10 टाइम्स आया, दूसरे केस में आपका रेशियो है 2 टाइम्स। डिफरेंस क्या आ रहा है, 10 टाइम्स मतलब कि क्या हो रहा है, 10 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री रोटेट हुई है, 10 टाइम्स आपकी सेल हुई है। मैंने बोला 10 टाइम्स रेशियो आ रहा है। एवरेज इन्वेंट्री मतलब कि क्या, अभी तक के वो चीज नहीं बिकी है, सोल्ड नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुई है, मतलब बाकी चीजें क्लियर हुई होंगी, तो वो 10 टाइम्स जो आपका रेशियो आ रहा है वो ये बता रहा है कि 10 टाइम्स आपकी इन्वेंट्री रोटेट हुई है। इट मीन्स कि आपकी 10 बार सेल हुई है, और जितने जितने बार आपकी सेल होगी उतने उतने बार वो प्रॉफिट जनरेट करके देगा, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी आपकी 10 टाइम्स हो गई है। वही 2 टाइम्स में आप देखो कि सिर्फ 2 बार सेल हुई है, और 2 बार में दो बार जितनी प्रॉफिट जनरेट करके देगा, यहाँ पे 10 टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स जनरेट करके दे रहे हैं। इसका मतलब कि क्या होता है कि जब बार बार इन्वेंट्री रोटेट कर रही है, बार बार इन्वेंट्री की सेल हो रही है, मतलब बार बार प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, अच्छे लेवल ऑफ लिक्विडिटी पोजिशन पे हो। कॉमन सेंस की बात है, कैश का जो इनफ्लो है रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है। एंड थर्ड पॉइंट पे लिखा है गुड अमाउंट ऑफ कैश फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, अगर 2 टाइम सिर्फ 2 बार आपकी इन्वेंट्री रोटेट होती है, ठीक है, अब सिर्फ 2 बार ही सेल हो रही है तो 2 बार ही प्रॉफिट जनरेट करेगी, सो एवरीथिंग जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा आपके इन्वेंट्री में आके लॉक्ड आउट हो गया है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जा तो नहीं रही है, वो एवरेज 50 मिलियन की इन्वेंट्री वहीं पे फंसी हुई है, तो पूरा पैसा उसमें फंसा हुआ है, आपका वर्किंग कैपिटल उसमें फंसा हुआ है। जब तक वो इन्वेंट्री बाहर मार्केट में बेचाएगी नहीं, तब तक आप बोलोगे कि पैसा फंसा हुआ है। जो लोग धंधा करते हैं वो समझते हैं कि अगर जब तक माल बिकता नहीं है मतलब मेरा पैसा फंसा हुआ है, जब तक वो माल बिकेगा नहीं तो मैं जिससे ली हूं, सप्लायर को ली हूं, मैं उसको कैसे पैसा वापस करूंगी, ठीक है। आई होप कि अगर आप बिजनेस करते हो नहीं करते हो, ये बेसिक सी चीजें आपको पता है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं अपने पेरेंट्स के मुंह से, अगर आप बिजनेस फैमिली में हो या अगर आपने खुद ने किया तो हम बोलते हैं यार इस बार माल नहीं बिका, पूरा पैसा फंस गया। मतलब अगर वो माल बिकता तो हमारा पैसा आता, प्रॉफिट भी लाता और हम हमारे सप्लायर्स को देते, तो हमारा पैसा स्टक हो गया। जब तक वो मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, हम लोगों ने पेमेंट कर दी सप्लायर को या पेमेंट नहीं की, इट्स अ सेकेंड पॉइंट, वो सेकेंडरी मैटर है। बट अभी हम लोगों ने माल ला दिया है, अगर वो नहीं बिका तो वहां पे मेरा पैसा फंसा हुआ है, अगर वो बिक गया तो मुझे उसके बदले पैसा मिल गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एवरीथिंग इज लॉक्ड इन द इन्वेंट्री, और हमारी उसकी वजह से लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रेन्ड हो जाती है। तो स्ट्रेन्ड लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे क्या बोला गया, रेशियो की एनालिसिस। इनशॉर्ट, अगर रेशियो ज्यादा है तो ये एक गुड साइन है, रेशियो अगर ये कम है तो ये एक बैड साइन है। मतलब बार बार रोटेट कर भाई इन्वेंट्री, टू बार बार सेल हो ताकि बार बार प्रॉफिट जनरेट हो। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो जो रहता है ये इंडिकेट करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा डेटर जो है वो कैश में बदल गया। डेटर्स मतलब समझते हैं, जब हम लोग गुड्स को उधारी में बेचते हैं तो वो उधारी वाला कस्टमर रहता है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। वो डेटर जब हमको पैसा दे के चले जाता है तो वो डेटर हमारा कैश में कन्वर्ट हो गया। तो कितने बार ऐसा हुआ कि आपका डेटर आपको पैसा दे के गया एंड वो डेटर ना होके अब वो कैश में जनरेट हो गया। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो सर्कल चलता है उसको हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। अब ये क्या रहता है, एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिस के ऊपर हम लोग निकालते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है अपने ओवरऑल रिवेन्यू को कलेक्ट करने की। कॉमन सेंस की बात बताओ, आप जो है बार बार अपने डेटर से आप कैश जनरेट कर पा रहे हो, मतलब आपके कंपनी की कितनी अच्छी एबिलिटी है, आपकी कंपनी की पॉलिसीज अच्छी है जिसके बेसिस पे आप अपने डेटर को बैड डेट होने नहीं दे रहे हो। मतलब बोलते हैं ना कि वो पैसा खा गया, उसने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया है, इट मींस वो बैड डेट हो गया है, तो आप वैसा नहीं होने दे रहे हो। बार बार आप जनरेट कर पा रहे हो कैश, तो वो आपकी एबिलिटी दिखाती है अपने रिवेन्यूज को कलेक्ट करने की। इसका फॉर्मूला सिंपल है, टर्नओवर है, डेटर की बात है, तो डेटर उधारी में हम लोगों ने बेचा तो आपका एवरेज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय आपका एवरेज डेटर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना ऊपर इन्वेंट्री जब बताया ना, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है, COGS भी लेते हैं टॉप पे
एंड नेट सेल्स भी लेते हैं। अब आप बोलोगे टर्नओवर है तो सेल्स क्यों नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों ले रहे हैं। देखो इन्वेंट्री को जनरली कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है, इसलिए जब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो वहां पे हम लोग COGS लेते हैं फॉर दी मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट बोल सकती हूँ। एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट ज्यादा से ज्यादा रिजनेबल रिजल्ट पाने के लिए हम लोग COGS लेते हैं। कुछ कंपनी नेट सेल्स भी लेती है बट उसकी वजह से रेशियो थोड़ा इन्फ्लेट होके आता है। एंड अगर रेशियो इन्फ्लेट हो क्या रहा है, इट मीन्स कि वो लोगों ने जानबूझ के हो सकता है कि नेट सेल्स लिया ताकि रेशियो को वो अपना इन्फ्लेट करके दिखाएं, एंड लोग करते भी हैं ऐसा। कमिंग बैक टू द डेटर टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे एग्जांपल है, मान लो कि आपकी एनुअल क्रेडिट सेल है तीनों ही सिनेरियो में 120 मिलियन। एवरेज डेटर मतलब कि क्या, इतने डेटर्स बने रहते हैं वो हमको अभी तक के पेमेंट नहीं दिए हैं। पहले केस में 60 मिलियन है, दूसरे में 30 मिलियन है एंड तीसरे में 10 मिलियन है। ठीक है, रेशियोज इसके निकालेंगे तो 2, 4 एंड 12 आ रहे हैं। अब रिकवरी पीरियड देखो, ठीक है, दो बार मतलब कि क्या, हम लोग सिर्फ अपने डेटर से दो बार अपना पैसा जनरेट कर पाते हैं, दो सर्कल ही चल पा रही है, मतलब डेटर कैश में दो बार ही कन्वर्ट हो पा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है चार बार, साल भर में चार बार हम लोग हमारे डेटर से कैश कन्वर्ट करवा पा रहे हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है 12 टाइम, ठीक है, थर्ड सीनर में, मतलब मान के चलो हर महीने हम लोग का हो रहा है कि हम लोग हमारे डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो आप इसमें भी कॉमन सेंस लगाओ, क्या ज्यादा बेटर है, जितने ज्यादा बार आपका डेटा कैश पे कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा बेटर है। तो एक स्लो हो गया, एक मीडियम रेंज हो गया एंड एक फास्ट एंड फास्टर रेंज हो गया। ठीक है, पीरियड के बेसिस पे बात करें तो लॉन्गर पीरियड इज नॉट प्रेफरेबल, लंबे समय तक हम उसको डेटा नहीं बना सकते क्योंकि बैड डेट होने के चांसेस है। बीच वाला फाइन है एंड 12th वाला इज वेरी बेटर। ठीक है, डोंट गो ऑन माय इंग्लिश, मैंने बैड फाइन बेटर जो मुझे वर्ड सुटेबल लगा मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इस पे बोला गया है लास्ट केस की एनालिसिस के बेसिस पे बता रही हूं, उसका वाइस वर्सा उसके जो फर्स्ट टू केसेस है उसमें होगा, मतलब मैं अच्छे के बारे में बता रही हूँ, अगर रेशियो अच्छा होगा तो ऐसा होगा, अगर रेशियो गंदा होगा तो उसका अपोजिट आंसर होगा। मतलब गुड्स कमिंग बैक फर्स्ट, मतलब कि क्या हुआ, आपका बार बार रोटेशन हो रहा है, रोटेशन बार बार हो रहा है मतलब बार बार सेल भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो गुड्स कमिंग बैक फास्ट, गुड कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। मतलब कि क्या, अगर आपका कैश फ्लो अच्छा रहता है तो आपकी डिपेंडेंसी जो रहती है बाहर आउटसाइड फंड में वो नहीं रहती है। भाई बोलोगे यार, खुद सोचो, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है एंड अगर आपके पैसे अच्छे हैं तो आप किसी से उधार लोगे, नहीं लोगे। तो गुड कैश फ्लो, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो आपकी आउटसाइड डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, मतलब आप लोगों ने बाहर से कम पैसा उठाया, मतलब आपका इंटरेस्ट एलिमेंट भी ज्यादा नहीं रहता है। इंटरेस्ट एलिमेंट ज्यादा नहीं रहता है तो आपकी प्रॉफिट ज्यादा रहती है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा रहती है। इनकेस अगर आपका गुड कैश फ्लो नहीं है, इट मीन्स आपके पास अभी कैश फ्लो आपके धंधे से नहीं आया तो आपको बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा, बाहर से पैसा उठा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, इंटरेस्ट ज्यादा रहता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हो जाती है। अगर रेशियो कम आता है तो आपका रिस्क है डिफॉल्ट होने का, मैंने बताया बैड डेट है, उसने मेरा पैसा ही नहीं चुकाया है। ठीक है, तो वो बैड डेट होने के भी चांसेस होते हैं। ये आ गया आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पे सेल्स की बात तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी यहाँ पे सेल्स की बात, क्योंकि भाई हम लोग जो भी माल उधारी में बेचते हैं, जिनको बेचते हैं वो डेटा कहलाते हैं, जिनसे उधारी में खरीदते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं, इसलिए एनुअल क्रेडिट परचेज को हम लोग हमारे एवरेज क्रेडिटर से डिवाइड करते हैं। ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पे किया है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इसके एनालिसिस पे तुरंत मत जाओ, तीन केस सिनेरियोस देखो, 120 मिलियन का आपका परचेज है, चार केस है यहाँ पे, चारों ही केस में फर्स्ट केस में 90 मिलियन के क्रेडिटर है, सेकेंड में 60, थर्ड में 30 एंड लास्ट में 40 मिलियन के आपके क्रेडिटर है। रेशियो आ रहा है 1.33, 2, 4 एंड 10। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि क्या कौन रेशियो, ये जो पर्टिकुलर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है, उसके बाद में इसकी एनालिसिस बताऊंगी। वेटिंग फॉर पर्टिकुलर सेकेंड्स, या तो आप वीडियो को पॉज कर लो एंड देन आप मुझे बताओगे कि इसके लिए क्या ज्यादा बेटर होता है, कि अगर कम है मतलब कि कम बार पेमेंट कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, कि रेशियो ज्यादा है मतलब ज्यादा बार पेमेंट कंपनी कर रही है वो ज्यादा अच्छा है, क्या आपके अकॉर्डिंग क्या एनालिसिस आ रही है, बार बार पेमेंट करना चाहिए कि कम कम बार पेमेंट करना चाहिए साल भर में,
डू लेट मी नो इन द कॉमेंट. टाइप करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन आप आगे एनालिसिस देखोगे. ठीक है, मैं आपको बता रही हूं. ओके, सी एनालिसिस में क्या होता है. देखो, अगर आप जो है क्रेडिटर को समय से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम रेशियो आ रहे हैं, कम बार पेमेंट करे, साल में एक बार, देखो 1.33 हम लोग लेके चलते हैं, साल में सिर्फ एक बार पेमेंट करो क्रेडिटर से, तो क्या क्रेडिटर आपको छोड़ देगा? नहीं. ठीक है, आप लोगों ने बेसिक चीजें देखी होगी, मोबाइल लेने जाते हैं, इंस्टेंट कैश पेमेंट करते हैं, तो 9000 की फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल है, आप लोगों ने इंस्टेंट कैश पेमेंट किया, 9000 की पड़ी, आप लोगों ने बोला मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगी, तो वो बोलते हैं ठीक है ये मोबाइल तुझे 12000 की पड़ेगी, वो बोलते हैं मैं इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूँ, वो ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो मोबाइल का रेट था तुरंत पे करने में आपको कम पड़ती है एंड कुछ समय बाद किसी चीज की पेमेंट करने में उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ती है एंड वो रहती है इंटरेस्ट की वजह से. अगर आप क्रेडिटर को कम कम बार पेमेंट करोगे, बहुत लेट लेट से पेमेंट करोगे, तो क्रेडिटर जो रहता है आपका इंटरेस्ट लगा देगा, उसके चार्जेस लगा देगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट भी अफेक्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट डाउन चले जाएगा. नेक्स्ट आ जाती है, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो टाइम से, तो हम लोग उसको स्ट्रेन लिक्विडिटी पोजीशन मानते हैं. लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन भी हार्म होती है और हो सकता है कि क्रेडिटर जो रहता है वाइंडिंग अप का जो है एलिगेशन, कंपनी वाइंडिंग अप का जो रहता है डिमांड, वो कंपनी के तरफ थ्रो कर दे. क्रेडिटर जो रहता है वो बोलेगा कि यार ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा है, मैंने इसके ऊपर चार्जेस भी लगाए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट हुई, फिर भी ये मेरी पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो कोर्ट जाके वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर के लिए बोल देगा, पेटिशन फाइल कर देगा. कौन? क्रेडिटर. अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हो टाइम टू टाइम, तो इससे आपकी रेपुटेशन भी गई, उससे आपका गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हुआ. इट मींस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो रहता है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे हायर भी जाना चाहिए. ठीक है, हायर ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर लो जा रहा है तो सोचो ना, वो बोलेंगे कि यार पेमेंट में अच्छा नहीं है, लिक्विडिटी पोजिशन इसकी स्ट्रेन्ड है, इसकी रेपुटेशन पे हार्म होगा, क्रेडिटर जाके पेटिशन फाइल कर देगा, आपकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकती है, क्रेडिटर चार्जेस लगाएगा जिससे आपकी प्रॉफिट अफेक्ट हो सकती है. मैंने सिर्फ एक इसका कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट देखा था, पूरी एनालिसिस पूरी जब मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले स्टडी की थी, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा देखा था जो मुझे बहुत इररिलेवेंट लगा. उस पे लिखा हुआ था कि अगर आप बहुत लंबे समय तक पेमेंट को रोक के रख रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद पेमेंट कर रहे हैं, इट मींस आपका अच्छा सा टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिटर के साथ, जो मुझे उतना रिलेवेंट पॉइंट नहीं लगा. आई फेल कि ये थोड़ा इररिलेवेंट पॉइंट है, ये बोलना कि अगर हम लोग बहुत लेट से पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमारी क्रेडिटर्स के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं इसलिए हम लोग इतना लेट से करें, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं. कोई भी आपको यूं ही फायदा नहीं कराएगा, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट पे लगा के रखा होगा. जैसे मैंने वो 9000 और 12000 वाले एग्जांपल में बोला, आपको लग रहा होगा टर्म्स अच्छे हैं, बट उसने ऑलरेडी रेट को इतना ज्यादा इन्फ्लेट करके रखा है, क्योंकि आप इतने लंबे समय बाद पेमेंट कर रहे हो, तो एट लास्ट आप ही का इस पे लॉस होने वाला है. ठीक है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कम रखो, मतलब कम रखो इन द सेंस कि कम इम्पोज हुए चार्जेस, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो ज्यादा रखो, मतलब ज्यादा टाइम्स आप पेमेंट करो, जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आप अपने क्रेडिटर्स का बिल को पे कर दो. ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक्सेल शीट में परफॉर्म कर लेते हैं. आप अपनी एक्सेल शीट पे आ जाओ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमको निकालना है, इज इक्वल टू इफ एरर. ठीक है, आपको क्या करनी है, अपनी सेल्स लेनी है, उसको डिवाइड करना रहेगा आपके एवरेज रिसीवेबल से. ठीक है, ये रिसीवेबल्स दिए गए हैं आपको, ये रिसीवेबल्स प्रेस कॉमा जीरो प्रेस एंटर. ठीक है, फॉर्मेटिंग आप ऊपर से ले लो, क्योंकि ये टाइम्स वाला है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लास्ट क्लास में करवाया था मैंने, तो हम लोगों ने वहां पे टाइम्स पे निकाला था, ये भी टाइम्स वाली चीज है, फॉर्मेटिंग हम लोगों ने ऊपर से ले ली. क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, अब यहां पे क्या है, परचेजेस से नहीं कर रहे हैं, सेल से कर रहे हैं. देखो मॉडल बनाओगे ना, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में क्या है, फिलहाल के लिए किसी भी डेटा से आप कर लो. अभी हम लोग सेल्स से ही कर रहे हैं, सेल्स डिवाइड बाय क्रेडिटर्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है परचेजेस का, इसलिए हम लोगों को मॉडल बनाते समय ध्यान रखना है कि कभी कभी डेटा अवेलेबल नहीं रहता है, तो किसी और चीज से कर लो. आई नो ये थोड़ा इरिलेवेंट होगा, बट फिलहाल के लिए मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए दिस वुड बी द बेटर थिंग टू डू.
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। एक मिनट, फॉर्मेटिंग को फिर से हम लोग नीचे ले आते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट ओपन, सीओजीएस नहीं ले रहे हैं इस केस में, हम लोग सेल्स को ही ले लेते हैं क्योंकि सेल्स के बेसिस पे चल रहा है, सेल्स डिवाइडेड बाय आपकी एवरेज इन्वेंट्री कॉमा जीरो प्लस एंटर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स नहीं ले रहे, डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स पे ले रहे क्योंकि मैंने बोला फिक्स्ड एसेट्स इज द एक्सटेंशन ऑफ टोटल एसेट्स, वहां पे टोटल एसेट से करते थे, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से कर रहे हैं, मतलब वही है, मुझे एक एग्जांपल शो करना था तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से ले रही हूं, ठीक है। प्रेस एंटर। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू इफ एरर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लिया सेल्स डिवाइडेड बाय इट्स अपॉन यू टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी लेना है, दोनों ही पॉइंट्स पे सही रहता है, उसको चेकआउट करना। तो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी लेते हैं, इसलिए सम लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट ओपन किया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से सरप्लस दोनों ही चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कॉमा जीरो एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। फॉर्मेटिंग नीचे कॉपी कर लेंगे एंड वी गॉट ऑल दी टर्न ओवर रेशियोज जिसकी हम लोगों ने थ्योरिटिकल पार्ट डिस्कस किया एंड हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर लिया है। इसको आप लास्ट तक के पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है कैपिटल टर्न ओवर रेशियो भी आ गया है, ठीक है। लास्ट ईयर तक के ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ओके, सो मैंने सोचा था, मैंने आपको क्लास में जब वहां पे हुआ ना जो ट्रेंड लाइंस देखी आप लोगों ने, मैंने बोला क्लास के एंड में बताऊंगी। नाउ मुझे पता नहीं कितने मिनट्स की इस पे रिकॉर्डिंग हो गई है क्योंकि मैं मोबाइल पे शूट करती हूँ तो मुझे बार बार रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ती है स्पेस इश्यूज की वजह से, तो मुझे नहीं पता कि क्लिप्स बना बना के कितना ये लंबा हो गया एंड आई फील कि क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी चली गई है। इसके बाद हम मीन निकालने वाले थे, मीडियन निकालने वाले थे एंड इसकी ट्रेंड लाइन देखने वाले थे कि किस तरह से रेशियो ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसको थोड़ा फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से समझना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट एवरी रेशियोज कवर हो गए हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा था, लिंक्डइन में पर्सनल मैसेज करके पूछा था, मैम ये वाला रेशियो ऐड नहीं किया या वो वाला रेशियो ऐड नहीं किया। देखो ये पूरा जो रहते हैं कंप्लीट शीट नहीं है रेशियो की, यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल दिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, जो मुझे लगा मैं इसको बताऊं, उसकी एनालिसिस बताऊं कि कम हुआ तो क्या है, ज्यादा हुआ तो क्या है, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए और उसको एक्सेल में किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए वो बताऊं। तो बेसिक सी मैंने यहाँ पे चीजें की है, इसके अलावा भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं फाइनेंशियल्स में, बहुत सारे करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये सारे रेशियो होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सारे रेशियोज को निकाल सकते हैं। ध्यान रखना जिस वे में वो रेशियो के फॉर्मूले रहते हैं, जैसे इसके थे, जैसे इसको निकाला है वैसे ही वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मेटिंग बची गई है और भी छोटी मोटी चीजें हैं रेशियो एनालिसिस की, उसको हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी उठाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक बने मतलब सिंसियरली क्लास को देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो क्लास में आज मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आप रिस्पॉन्स जरूर करेंगे कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग सिर्फ क्लास को देख नहीं रहे हैं, समझ भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं एंड आपको चीजें समझ भी आ रही है। इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू नो अबाउट यू, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, मैं नहीं जानती आप लोगों को ना आप मुझे जानते हैं, सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो ज्यादा बेटर रहेगा हम कनेक्ट कर सके एंड मैं समझ पाऊंगी कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं, मुझे नेक्स्ट किस चीजों पर इम्प्रूव करना है। सो कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए एंड बी इंटरेक्टिव। इट्स टाइम टू बी इंटरेक्टिव नाउ। शुरू में मैंने नहीं बोला बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी ऑल्सो, सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ बिग फैमिली इन यूट्यूब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो।